एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी हाल ही में बिहार पीसीएससी का एग्जाम कंप्लीट हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार बिहार पीसीएससी का जो ट्रेंड था, खास तौर से लॉ पेपर का, वो थोड़ा सा लीक से हटकर था। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, यानी कि वहां तक आपकी या किसी की भी नजरें नहीं पहुंच सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो डायरेक्ट होने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत थी और ये क्वेश्चंस पेपर वाकई में लेंदी था। अब इसका एक मतलब तो निकल कर आता है कि अब हमें कहीं ना कहीं उन सारे कॉन्सेप्ट को विस्तार पूर्वक और डिटेल में देखने की जरूरत है, हर वो टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एंड एज वी ऑल नो कि अभी कुछ ही दिनों पहले छत्तीसगढ़ पीसीएससी का नोटिफिकेशन आया है, बहुत ही जल्द उसका भी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इंटायरली छत्तीसगढ़ पीसीएससी के एग्जाम को देखते हैं तो उसके अंदर टोटल 15 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उन 15 में से लगभग 10 सब्जेक्ट आपके मेजर और माइनर लॉ के हैं और उसी के आसपास लगभग 5 सब्जेक्ट आपके हैं जो प्योरली डेडिकेटेड है आपके छत्तीसगढ़ लोकल एक्ट के कंटेक्स्ट में। तो आज मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करूंगा सीआरपीसी के टॉपिक रेफरेंस के बारे में, जिसका जिक्र सेक्शन 395 में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम खास तौर से सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस की बात करते हैं तो ये आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और अगर हम बात करते हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण है, यानी कि ये सीआरपीसी का वो टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम 395 को देखते हैं तो ये बात करता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अब पहली लाइन से या पहली हेडिंग से हमें एक बात तो पता चल गई कि जब कभी भी हम रेफरेंस की बात करते हैं तो वो हाई कोर्ट में ही होता है, ना तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगा और ना ही हाई कोर्ट के अलावा वो किसी अदर कोर्ट में आपको देखने को मिलता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि रेफरेंस का मतलब क्या होता है या उसका तात्पर्य क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने लोगों को कहते हुए सुना होगा, जब कभी भी कोई व्यक्ति आपके पास कोई सलाह लेने के लिए आता है, कोई मशविरा लेने के लिए आता है, तो आप उसको उचित सलाह देते हैं या उसको उचित मशविरा देते हैं या आप उसको ये कहते हैं कि फलाने दुकान पर चले जाना और वहाँ उसको मेरा रेफरेंस दे देना। इसका मतलब ये है कि आप एक उम्मीद से उस व्यक्ति के पास जाते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपकी दुविधा को सॉल्व कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको सीआरपीसी में भी देखने को मिलता है। जब कभी भी हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे चाहे आप कोर्ट ऑफ सेशन की बात करें, चाहे आप मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें या आप हाई कोर्ट के नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, आप किसी की भी बात करें, अगर उनके सामने कोई केस आया है डिस्पोजल के लिए तो जाहिर सी बात है वो उस पूरे के पूरे केस के ट्रायल को कमिट करेंगे। कई बार उनके पास ऐसा रास्ता नजर आएगा कि उनको लगेगा कि यार अब मैं इस केस को कैसे डिसाइड करूं, इस केस को डिसाइड करने के लिए मुझे इन इन प्रावधानों की जरूरत है। तो आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी आपका कोई भी एक्ट या कोई भी केस आपका डिसाइड होता है तो आमतौर पर उसके अंदर हम एक्ट का सहारा लेते हैं, हम ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं, हम रेगुलेशन का सहारा लेते हैं, इसके अलावा अगर कोई प्रावधान और दिए गए हैं तो हम उनका भी सहारा लेने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई लोअर कोर्ट है जो कि हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट है, उसके पास कोई मैटर आता है डिसीजन के लिए या डिस्पोजल के लिए, और अगर उस लोअर कोर्ट को या सबॉर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर केस है, दिस केस इन्वॉल्व्स द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, दिस केस इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस, दिस केस इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेगुलेशंस, दिस केस इन्वॉल्व्स द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ एनी कंटेंट इन द अबव मेंशन प्रोविजन। इसका मतलब ये है कि कोर्ट जो कि हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट है, उसको क्या लग रहा है कि हमारे सामने जो केस है उस केस को अगर हमें डिसाइड करना है तो उसके लिए हमें एक्ट की वैलिडिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अगर कोई ऑर्डिनेंस है तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अगर कोई रेगुलेशंस है हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, या अगर उससे संबंधित कोई प्रावधान है तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दुविधा का प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पर आपके सामने दी गई हैं, या तो वो काफी समय से इन ऑपरेटिव हैं, यानी कि वो परंपरा में या चलायमान नहीं है, और या तो वो इनवैलिड हो चुकी है, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन
वो इनवैलिड है या नहीं, वो इनऑपरेटिव है या नहीं, इसके बारे में फिलहाल अभी तक ना तो संबंधित हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी की है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई टिप्पणी की गई है। तो आमतौर पर जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है या जो भी लोअर कोर्ट होती है वो क्या करती है, वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेजती है, और हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे है उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट से जिसका वो अधिकार क्षेत्र है। अब ये नहीं कि यूपी का है तो आप दिल्ली हाई कोर्ट या पंजाब भेजेंगे, अगर यूपी का है तो जाहिर सी बात है यहाँ के जितने भी कोर्ट ऑफ सेशन है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो ये देखेंगे कि क्या उनको अपने मैटर को रेफर करना है इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच इलाहाबाद में या इनकी जो लखनऊ बेंच है वहां पे। तो आमतौर पर आप वहां पर उस मैटर को रेफर करते हैं, और रेफर करने के पीछे एक ऑब्जेक्ट आपका ये होता है कि आप माननीय उच्च न्यायालय से उस संदर्भ में एक दिशा निर्देश चाहते हैं, एक प्रॉपर लाइट चाहते हैं, और जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होता है आप उसी को ध्यान में रखते हुए उस पूरे के पूरे मैटर को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एज सिंपल एज दैट आपको सिर्फ इतना समझना है कि लोअर कोर्ट के पास जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है, उसको लगता है कि एक्ट वैलिड है या नहीं, ऑर्डिनेंस वैलिड है या नहीं, इसके अलावा जो आपके रेगुलेशंस हैं वो वैलिड है या नहीं, कोई और प्रावधान वैलिड है या नहीं, और अगर वो इनऑपरेटिव भी हैं या वो चलायमान नहीं है, और अगर उनके बारे में ना तो हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है ना ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो वो उस केस को फिलहाल उसी वक्त के लिए छोड़ देते हैं। वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आपका एक हाई कोर्ट ही है, या जो भी उनका कंसर्न हाई कोर्ट है उसको वो भेजते हैं। उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में उनके ग्रीवांसेस होते हैं कि किस प्रमुख बिंदु के ऊपर उन्हें माननीय उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश चाहिए, उसके बाद हाई कोर्ट उनके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल, कुछ पॉइंट्स को सेट कर देता है और उसी लेटर को वापस से उनको फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद अब ये लोअर या सबॉर्डिनेट कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे कि उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वो उस केस को डिसाइड करते हैं, और यही आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है आपके रेफरेंस का। तो जो रेफरेंस का जो टॉपिक है ये आपके मेंस में भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि रेफरेंस क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं। और अगर हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस को घुमा घुमा कर पूछा गया है कि सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर बात करता है रेफरेंस की, रेफरेंस का जिक्र सीआरपीसी के किस धारा के तहत आपको देखने को मिलता है, क्या रेफरेंस सिर्फ हाई कोर्ट में भी दिया जा सकता है या रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भी दिया जा सकता है, और वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं या वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसको ध्यान में रखते हुए रेफरेंस की डिमांड की जा सकती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल किया गया है। इसी के रिगार्डिंग टारगेट फॉर आई क्यू पे एक बैच ऑलरेडी आपका चल रहा है आगामी या 4 जून से, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ जुडिशरी के जो भी आपके 15 सब्जेक्ट हैं उनको लेकर एक विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 3.5 महीने के अंदर आपके इंटायर सिलेबस को आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किया जा सके। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आई क्यू। थैंक यू सो मच।